राम राम दोस्तों। तो दोस्तों ये है वीवो Y16 है, मॉडल नंबर है वीवो V2214। ठीक है, तो इसका FRP बाईपास करेंगे हम। इसमें लॉक लगा हुआ है, रीसेट कैसे करना है ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड पावर की दबा के रिकवरी मोड में जाके क्लियर हो डाटा। तो इस वीडियो में खास क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में खास ये है कि आपका रीसेट ऑल सेटिंग काम नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरा वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑलरेडी कनेक्ट इसलिए कर रखा है क्योंकि हम वाईफाई कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो देखो ये हम डॉन्ट कॉपी करते हैं, यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम नहीं लिया है तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों, और पासवर्ड हमें पता नहीं है। ओके, पासवर्ड हमें पता नहीं है। तो गूगल अकाउंट आप जाना गूगल अकाउंट पे। अगर आपको गूगल अकाउंट भी नहीं पता है तो एक बार फॉरगेट ईमेल कर लेना। अगर आपका जो है सिम से बना हो या आप थोड़ा सा नंबर से बना हो या आपका जीमेल आईडी याद हो, एक बार फॉरगेट कर लेना। अगर ये सब चीज़ नहीं पता तो दोस्तों टेंशन ना लो, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक जाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ दबाना है। ठीक है, प्रेस करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ प्रेस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ प्रेस नहीं हो पाया, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें टॉक बैक शॉर्टकट में एनेबल करना है, टर्न ऑन करना है। ओके, यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे, टर्न ऑन किया, फिर दोबारा से हमें वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ प्रेस करना है। पूरी वीडियो देखना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ समझ में आया तो कमेंट्स करना। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस एक साथ प्रेस किया, टॉकबैक ऑन हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है, ऑन होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एल टाइप करना और बोलना है गूगल असिस्टेंट। ओके, एल टाइप गूगल असिस्टेंट बोलना है। ठीक है, ठीक है, एल टाइप करने के बाद हमें वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक कर लेना, डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक, फिर यहाँ पे यूज़ वॉइस कमांड पर क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक, फिर बोलना है गूगल असिस्टेंट। ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे अब टॉकबैक ऑफ कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे टॉकबैक ऑफ। हो गया हमारा टॉकबैक ऑफ। तो अगर आपके ओपन सेटिंग बोलने से ना हो तो यूट्यूब बोल लेना, ओपन यूट्यूब। तो यूट्यूब में जाके आप हिस्ट्री प्राइवेसी में जाके आप क्रोम में जाके कर सकते हो, एड रोम में जाके। ठीक है, अगर आपका ओपन सेटिंग वर्क ना करे तो। ओके, तो अब क्या दिखाना मुझे आपको, देखो ये VIVO Y16 है, एंड्रॉयड वर्जन में आपको दिखाता हूँ ये रहा। ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन इसका ये है 12। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें रीसेट ऑप्शन जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, रीसेट ऑप्शन हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना, बैक करना है। और अगर रीसेट वर्क करता है आपका अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो ये मेथड आपका काम करेगा। अगर करता है तो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अब हमें क्या जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। ओके, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। ठीक है, उसके बाद हमें इजी टच पे जाना है। ठीक है, इजी टच पे गए हम, उसके बाद दोस्तों हमें इजी टच ऑन कर देना है, ये हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कस्टमाइज मेन्यू। ठीक है, कस्टमाइज मेन्यू में जाएंगे क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है क्या, यहाँ पे प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, क्लिक टू ऐड, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें ऐड करना है इजी शेयर और सेटिंग। ओके, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से अनमार्क कर लेते हैं फेसबुक को। ठीक है, इजी शेयर, मैसेज को भी अनमार्क अभी तो नहीं होगा, तो हम इनको हटा के अपना सेटिंग का ऑप्शन और ये रहा सेटिंग का ऑप्शन कर लेते हैं क्लिक, और हमारा इजी शेयर ये मैसेज हम हटा देते हैं, ये रहा हमारा इजी शेयर। ठीक है, ये दो हमारे हमारे जो है
इजी टच में शो करेंगे, ठीक है। ये रहा इजी टच में, ये रहा इजी शेयर और सेटिंग, ओके। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा शो करने लगा, बैक ना भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमें इजी शेयर ओपन करना है, ठीक है। हमें इजी शेयर ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी जो भी सारी परमिशन अलाउ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, फ़ोन क्लोन पे क्लिक करना है, ओके। तो ये दोस्तों हमारा न्यू फ़ोन है, तो हमें न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हमारा डाटा पूरा क्लीन है न्यू। तो हम इसमें डाटा किससे डालेंगे, आईफोन से डालोगे या एंड्रॉयड से, तो हम एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉटेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वायर यूजिंग दी ऐप, वायर यूजिंग दी ऐप अलाउ, ठीक है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई दूसरे फ़ोन की, ठीक है। इस फ़ोन में पासवर्ड भी लगा होना चाहिए, पासवर्ड आप इसमें लगा लेना, ठीक है। पासवर्ड लगा लेना है, यहाँ पे मैं इसमें पासवर्ड लगाता हूँ, इस फ़ोन में पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो पासवर्ड तो लगा लिया, तो हमें क्या करना है, हमें जाना प्ले स्टोर में, दूसरे फ़ोन में हमें यहाँ सर्च करना है, प्ले स्टोर में जाके इजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर दो ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ये इजी शेयर थोड़ा पुराना वर्जन है, क्योंकि ये वीवो I21 है, पुराना वर्जन है, और एक्टिविटी लॉन्चर भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेनी है, ये रहा हमारा दोनों चीज़ इंस्टॉल है। उसके बाद हमें इजी शेयर ओपन करना है, ओपन किया, देखो फ़ोन क्लोन में जाएंगे हम, दिस इज़ ओल्ड फ़ोन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बार कोड आ गया। कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है हमारा जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। बार कोड आ गया, ठीक है। हमारा कभी कभार कनेक्ट नहीं हो पाता, क्यों कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे दोनों फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, इसी चक्कर में भी हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो हमारा देखो अभी जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब भी इशू आता है। तो फिलहाल आपको देखो मैं स्कैन करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्कैन किया, ठीक है, हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें से एक ऐप डालना है। यहाँ पे हम डी सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, सब कुछ डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐप पे, हमें डालना है एक्टिविटी लॉन्चर, ओके। यहाँ पे ओके कर देते हैं, यहाँ पे स्टार्ट क्लोन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ऐप में जाके स्टार्ट क्लोन कर देते हैं। यहाँ पे देखो पासवर्ड डाल लेते हैं, जो कि पासवर्ड ज़रूरी है। तो पासवर्ड इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि हमारा जो है या तो जीमेल का पासवर्ड मांगेगा, जो हम जीमेल आईडी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो परमिशन का आया है यहाँ पे ऑप्शन, तो गॉट इट कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो भी इसमें परमिशन मांगे वो भी अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है 100% हो चुका है, ओके, 100% हो चुका है। तो हमें क्या करना, ये देखिए टाइमर का निशान आ रहा है, ये हमारी हिस्ट्री है टाइमर, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, ऐप्स आ रहा है आपको नज़र आ रहे हैं, ऐप्स का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए, ठीक है, एक्टिविटी लॉन्चर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। तो दोस्तों सारे स्टेप ध्यान रखना, आप इजीली कर पाओगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा मैं, ओके। ये 100% होने के बाद आपके ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एंड्रॉयड सेटअप में जाना है, ठीक है। एंड्रॉयड सेटअप में जाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप भी ट्राई कर लेना, एक दो बार आप भी इस पर क्लिक करके देखना। पहले इससे करते थे हम, यहाँ पर क्लिक करते थे तो ये हमारा सीधा इस पेज पर आ जा रहा, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करते हैं, इजी शेयर पर, ये इजी टच पर क्लिक करते हैं, तो हम जो है इजी शेयर पर दोबारा क्लिक कर लेते हैं। इजी शेयर पर क्लिक किया, एक्टिविटी लॉन्चर पर ओपन कर लेते हैं, ओके। तो हमारा ये काम नहीं कर रहा है, तो एक बार और दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इजी टच खोलते हैं, इजी शेयर पे क्लिक करते हैं, तो ओपन करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं। यहाँ देखो सेटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, सारे सेटिंग ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ अलग हो गया, एंड्रॉयड का सब कुछ लोगो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड करते हैं। देखो यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ ख़त्म होने के बाद देखो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आपको टच करना है, ठीक है। यहाँ से देखो ये ख़त्म हो गया, एंड्रॉयड का जो लोगो आ रहा है 1 2 3 4 चौथे नंबर पर हम क्लिक करेंगे, ओके। ये ध्यान रखना 1 2 3 4 चौथे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आया। तो दोस्तों ये भी काम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ सेटअप माय फ़ोन पे क्लिक करके हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दोबारा से इजी टच पे क्लिक करेंगे अपने, फिर हम दोबारा से इजी शेयर पे क्लिक करेंगे, ओके। तो अच्छे से बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ओपन पर क्लिक करेंगे, तो देखो पहले हम कर रहे थे 1 2 3 4 4 पर क्लिक किया था, अब हम करेंगे 3 पे, इस वाले पर, ठीक है। अब 3 पे देखो 1 2 3, ये देखिए हो गया ना, समझ पा रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ भी एक एक स्टेप ध्यान रखना, इजी इजी, ठीक है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में करके मत देखना है, ठीक है, आराम से देखना है। और सिम भी ना लगा हो उसके अंदर, फ़ोन के अंदर सिम ना लगी हो, थोड़ा ध्यान रखना, कोई भी फ़ोन हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, एक बार रीसेट करके तभी ट्राई करना मेरा मेथड, ठीक है। यहाँ पर स्किप कर देते हैं, यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ के स्किप कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स कॉपी। तो दोस्तों हमें कॉपी करना है डाटा, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, डोंट कॉपी पे क्लिक मत करना है, नेक्स्ट पे करना है, ओके। एक भी स्टेप आप मिस कर दोगे फिर दोबारा से रीसेट करना पड़ जाएगा, दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूज़ योर ओल्ड डिवाइस, ठीक है। तो केबल्स के साथ यूज़ करोगे, नहीं हमें ओल्ड डिवाइस हमें जो वाईफाई के साथ करेंगे, तो इसलिए हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नो केबल, ठीक है, यहाँ पे नो केबल पे क्लिक करेंगे, विदाउट केबल, ठीक है, ठीक है। कॉपी विदाउट केबल करेंगे हम, यहाँ पे कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। सारे स्टेप आप ध्यान से देखना, उसके बाद ही ट्राई करना, ठीक है। वीडियो चाहे दो बार देखनी पड़े, ऐसी बात नहीं है कि हमारे व्यूज आएंगे वो आएंगे, हमें आपका फ़ायदा चाहिए कि आपके दो पैसे बच जाएँ या कस्टमर का या आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना, पैटर्न मांग रहा है, यहाँ पे हम यूज़ माई गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ओके, यूज़ माई गूगल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। ओके, अब यहाँ पे वेट करना। अब दोस्तों हमें अपना फ़ोन को, दूसरा जो फ़ोन है अब ये हमारा काम आएगा। यहाँ पे जो है अपना फ़ोन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, देखो ये रहा गूगल जो है, ये गूगल असिस्टेंट से आप कह सकते हो, या ये रहा हमारा, ये गूगल पे जो माइक है उस पर क्लिक करेंगे, सेटअप माय फोन, दोबारा से मैं बोलने की कोशिश करूँगा, थोड़ा स्लो फोन है बेचारा ये, सेटअप माय डिवाइस, सेटअप माई डिवाइस। Here's a summary from Google Help. Step 2, set up the new device. 1. इसमें करके देखता हूँ दूसरे फोन में एक बार, सेटअप माई डिवाइस। क्लिक करके सेटअप माय डिवाइस, ये देखिए। तो फ़ोन ऐसा लेना है जिसमें ये ऑप्शन आए सेटअप माय डिवाइस कहने के बाद, शायद एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से फ़र्क है, इसलिए शायद नहीं आ पा रहा होगा। तो इसमें तो आ रहा है, तो इससे तो मुझे कनेक्ट नहीं करना है, मुझे कोई फ़ोन, दूसरा फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा सेटअप माय डिवाइस जिसमें हो जाए। इसमें देखता हूँ सेटअप माय डिवाइस,
तो दोस्तों इस फ़ोन में जो है सेटअप माई डिवाइस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखिए ओल्ड डिवाइस है तो इसमें सपोर्ट नहीं है। मैंने गूगल असिस्टेंट प्ले स्टोर से गूगल असिस्टेंट भी डाउनलोड कर लिया तो सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो हमें दूसरा फ़ोन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने दूसरा फ़ोन ले लिया, तो अब हमें करना क्या है, तो ये रहा गूगल असिस्टेंट, यहाँ पर क्लिक करना है या फिर इस माइक पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर करते हैं गूगल असिस्टेंट, ये सेटअप माई डिवाइस बोलना, ठीक है। सेटअप माई डिवाइस, वाईफाई कनेक्ट नहीं है, वाईफाई हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से हम बोलते हैं सेटअप माई डिवाइस, हियर्स अ समरी फ्रॉम गूगल हेल्प, नहीं हो पाया इसमें, ठीक है। तो गूगल असिस्टेंट से करते हैं यहाँ पे सेटअप माई डिवाइस, ओके। अगर आपका इससे माइक से ना हो तो गूगल असिस्टेंट ऐप है, इससे कर लेना है, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये स्कैनिंग कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है, सर्च अगेन। कई बार थोड़ा इशू आता है, वाईफाई की वजह से आता है, या देखो अब कनेक्ट हो रहा है वाला है शायद, हाँ हो गया, देखिए 5712, ठीक है 5712, ओके। अब हमें ये क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे से फिर हमें क्या करना है, कॉपी पे क्लिक करना है, ओके। कॉपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो पिन मैंने इसमें भी डाल रखा है, नहीं तो आपका गूगल अकाउंट पासवर्ड वगैरह मांगता, तो इसलिए मैंने पिन डाल रखा है इसमें। ये देखिए जो आपको याद हो, जिसके फ़ोन से आप करते हो, पिन पासवर्ड फ़ोन का पता होना चाहिए, तभी इसमें डाटा कॉपी होगा आपके फ़ोन में। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको सबसे अनटिक कर देना, बस डिवाइस सेटिंग पे ही क्लिक रहने देना, वाईफाई पासवर्ड एंड मोर पे, ठीक है। डिवाइस सेटिंग, वाईफाई पासवर्ड एंड मोर, और भी चीज़ होती है। फ़िलहाल ये फ़ोन हमारा जो है खाली है, इसलिए कुछ और चीज़ डाटा नहीं दिखा रहा है इसके अंदर, ठीक है। फ़ोटो वीडियो कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, पर डिवाइस सेटिंग पर ही क्लिक करना है सिर्फ आपको, डिवाइस सेटिंग पर, ओके। यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्किप कर देते हैं, ओके। यहाँ पे स्किप कर देते हैं, यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हमें क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है स्किप, ओके। पूरे स्टेप चेक करना, देखना आराम से, स्किप स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना, आपका फ़ोन ईजिली यूजेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में ना तो कमेंट करना, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आपकी हेल्प हुई या नहीं हुई।
ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक कर देते हैं, हमारा डाटा कॉपी हो रहा है इसमें। कभी थोड़ा टाइम या आपकी नेट की स्पीड से भी टाइम लगता है, इसमें अबाउट 1 मिनट शो कर रहा है। आप एंड्रॉयड 13 भी कर सकते हो इससे, ज़रूरी नहीं है एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 भी कर सकते हो, पर इसमें गूगल जो है टॉकबैक ऑन जो काम नहीं करता। ये देखिए कॉपी फिनिश्ड, यहाँ पे डन क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ओके, अब हमारा इस फ़ोन का देखो दोस्तों काम ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा समय लेगा इसमें, ये देखिए दोस्तों ना अकाउंट कुछ हुआ ना कुछ हुआ, आपके साथ थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, कुछ शो नहीं करा, पर इसमें जो है अकाउंट वगैरह ऐड हो चुका होगा, सब कुछ हो गया। देखिए इजीली हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अकाउंट भी ऐड हो चुका है इसके अंदर और हमारा फ़ोन इजीली अनलॉक हो चुका है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें सपोर्ट करना, माता पिता का ख्याल रखना, और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।